खाना बनाने को अब सिर्फ खवातीन तक महदूद नहीं किया जा सकता, बल्कि कल्नरी आर्ट ने अब एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर ली है। वैसे खाना खाने के शौकीन तो मैं बहुत हूँ, लेकिन कुकिंग कैसे करते हैं ये मुझे नहीं आती, और यही सीखने आज मैं आई हूँ मास्टर क्लास में। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे मेरे क्लासमेट कोई बड़े नहीं बल्कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। वैसे बच्चे कपकेक शौक से खाते हैं, इसलिए मास्टर क्लास का आगाज हुआ कपकेक बनाने से। मजे मजे के केक खाने और बनाने का शौक उमर को यहाँ ले आया। मैं नूडल्स बना लेता हूँ, ऑमलेट बना लेता हूँ अपने छोटे भाई के लिए, एग बॉईल कर लेता हूँ और खाना भी गर्म कर लेता हूँ, काफी सारे काम कर लेता हूँ। किचन स्टूडियो को हकीकत का रूप देने वाले उसामा अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान में कलिनरी आर्ट से वाबस्ता लोगों को शेफ्स के साथ अमली तौर पर सीखने का मौका कम ही दिया जाता है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया है। फर्स्ट टाइम जब मैं ये कहता हूँ तो आज से पहले पाकिस्तान में जब कुकिंग सिखाई जाती थी तो बहुत थ्योरी बेस्ड होती थी, मगर अब आप मास्टर क्लास में रहते हुए आपको अपना ओन मिनी किचन दिया जाएगा, जहाँ ना सिर्फ आप शेफ को बनाते हुए देखेंगे बल्कि उनके साथ साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे। आर्कियोलॉजिकल शवाहिद कहते हैं कि हजरत इंसान ने बकायदा खाना बनाने का आगाज 18 लाख से 23 लाख साल कबल किया, और अब तो कलिनरी आर्ट टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट का हसीन इम्तिजाज बन गया है, और बच्चे इस फूड साइंस को खूब समझ रहे हैं। इंटरेस्ट बहुत है बच्चों में, यहाँ तक सिर्फ गर्ल्स में नहीं बॉयज में ज्यादा इंटरेस्ट है। कपकेक्स बनकर तैयार हैं। और अब आप इन बच्चों को जूनियर शेफ्स कह सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।